अभी तो ट्रेलर है। आइए आज आपको मोदी का ट्रेलर दिखाते हैं। पिछले 10 साल में भाजपा ने पूरे देश में संविधान की धज्जियां उड़ाई। विश्वविद्यालय हो या केंद्र व राज्य की बीजेपी सरकारें, आरक्षण में दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का हक मारा। आदिवासी युवक के सिर पर बीजेपी नेता ने पेशाब किया। देश भर में दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों पर अत्याचार बढ़ता रहा। तोड़फोड़ करके राज्य सरकारें गिराई और लोकतंत्र की हत्या की। ये तो सिर्फ ट्रेलर है। अमित शाह खुलेआम कहते हैं 50 साल राज करेंगे। मतलब साफ है, चुनाव खत्म करके पुतिन और किम जोंग की तरह बिना चुनाव के बीजेपी राज करेगी। बीजेपी नेता खुलेआम बाबा साहब के द्वारा लिखा गया संविधान बदलने की धमकी दे रहे हैं। नोटबंदी में पूरे देश को लाइन में खड़ा कर दिया। कोरोना की महामारी में लाखों लोग मर रहे थे और मोदी ताली बजा रहा था। थाली बजा करके घंटी बजा करके। ये तो सिर्फ ट्रेलर है। देश में 45 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी आई और हर साल 2 करोड़ नौकरी का जुमला देकर युवाओं को 4 साल के अग्निवीर के नाम पर धोखा दिया। मणिपुर, हाथरस, उन्नाव, पहलवान बेटियां हो या दरिंदे प्रज्वल रेवन्ना का मामला, मोदी ने हमेशा खामोश रहकर बलात्कारियों का साथ दिया। किसानों ने फसल का दाम मांगा, मोदी ने लाठी मारी। काले कानून के खिलाफ 750 किसानों ने अपनी शहादत दे दी। मोदी लाठियां गोलियां चलवाता रहा और कर्ज में डूबे किसान आत्महत्या करते रहे। ये तो सिर्फ ट्रेलर है। पेट्रोल 120 रुपए, डीजल 100 रुपए, सरसों का तेल 250 रुपए, दाल 300 रुपए, गैस का सिलेंडर 1200 रुपए, सब्जियां फल सब महंगे। ये तो सिर्फ ट्रेलर है। देश की सारी संपत्ति, रेल, सेल, कोल, गैस, बिजली, पानी, सड़क, बैंक, LIC, FCI, BPCL, पोर्ट, एयरपोर्ट, सब अपने दोस्तों को औने पौने दामों में बेच दी। अपने दोस्तों का 15 लाख करोड़ कर्ज माफ कर दिया। नीरव मोदी, मेहुल चौकसी 20,000 करोड़, विजय माल्या 10,000 करोड़, नितिन संदेसरा 6,000 करोड़, ललित मोदी 3,000 करोड़ लेकर भाग गया। भारत पर 200 लाख करोड़ का कर्ज हो गया। रुपया लगातार नीचे गिरता रहा। विदेशों में जमा काला धन मोदी राज में बढ़ गया। प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत 142वें स्थान पर पहुंच गया। भारत में 5% लोगों के पास 60% लोगों के बराबर संपत्ति है और 82 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन की लाइन में खड़ा कर दिया। युवाओं और किसानों का कर्ज माफ नहीं, अपने दोस्तों को लाखों करोड़ का कर्ज दिया और माफ कर दिया। और ये तो सिर्फ ट्रेलर है। सीमा पर चीनी घुसपैठ, पुलवामा, पठानकोट, गलवान, मणिपुर सहित सैकड़ों घटनाओं में हमारे जवान शहीद हुए। सोचिए, ये तो सिर्फ ट्रेलर है, तो पिक्चर कितनी भयावह होगी। अगर गलती से भाजपा जीत गई, तो ये सबसे पहले संविधान हटाएंगे, फिर दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों का आरक्षण छीन लेंगे और आप ना आवाज उठा पाएंगे ना भाजपा को हटा पाएंगे, क्योंकि आपके वोट का अधिकार और बोलने की आजादी मोदी की पिक्चर में होगी ही नहीं। इसलिए ये पिक्चर रिलीज होने से रोक दो देशवासियों। मोदी जी, आपके ट्रेलर ने देश को बर्बाद कर दिया। अब पिक्चर रिलीज नहीं होने देंगे।